हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई ये दो फिल्में, क्रिश और कंगना रनौत की मणिकर्णिका और दूसरी डायरेक्टर अभिजीत पानसे की ठाकरे। तो सबसे पहले बात करते हैं ठाकरे की। ठाकरे इस प्रोफाइल की भीड़ में एक नया प्रोफाइल बायोपिक आया है मैदान में। तो बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के फायरब्रांड नेता थे, शिवसेना के सुप्रीमो थे, उनकी जीवनी पर आधारित ये फिल्म ठाकरे। किस तरह से एक कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सुप्रीमो बनते हैं, किस तरह की उनकी लाइफ रहती है, किस तरह उनके क्रिकेट पर जो उनके विचार थे हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट पर प्रांतीय मुद्दे पर, और ऐसे ढेर सारी चीज़ों को अभिजीत ने इस फिल्म में उन पहलुओं को सहेजा है, समेटा है, जिससे बाला साहब बने। इसमें बहुचर्चित बहुविवादास्पद अयोध्या ढांचे की भी बात की गई है। अयोध्या ढांचे को जब गिराया गया था उसमें शिवसेना का क्या रोल रहा, उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि अब बायोपिक बाला साहब ठाकरे की, तो पूरी फिल्म में बाला साहब ठाकरे के इर्द गिर्द घूमती है और दूसरे किरदारों को कहीं पर प्राधान्य नहीं मिलता है। अगर मैं अभिनय की बात करूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे नजर आए। तो कुल मिलाकर अगर आपको पॉलिटिकल मुद्दों की समझ है, अगर आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानते हैं, तो ये फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार। दूसरी फिल्म है मणिकर्णिका। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कंगना रनौत को और क्रिश को कि डायरेक्टरल डेब्यू में इतनी बड़ी फिल्म आपने चुनी। एक बहुत ही बड़े स्केल की फिल्म कंगना ने और क्रिश ने मिलकर बनाई है, बहुत खूबसूरती के साथ। एक पूरे वॉर सिक्वेंसेस और आजादी का संग्राम इस फिल्म में दिखाया गया है। कुछ बेसिक मुद्दों पर मेरा थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा और स्क्रीन प्ले पर काम कर लिया जाता तो अच्छा होता। खास तौर पर जब रानी ग्वालियर पहुंचती हैं और पहली बार अपने प्रजा के बीच में पहुंचती है, झलकारी से मिलती है, एक बड़ा उत्तेजक तड़क फड़क का आइटम नंबर टाइप का गाना वहां पर उन्होंने दिया, ये नहीं हो सकता था। और उसके अगर ये हो भी जाता तो महारानी लक्ष्मीबाई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, ये थोड़ा सा खटकता हुआ नजर आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना रनौत पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, एनर्जी के साथ शुरू से आखिरी तक रही है। हालांकि ये एक डायरेक्टर की भी गलती है, या जो डायरेक्टर एक्टर टर्न डायरेक्टर होते हैं उनके साथ शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पूरी फिल्म को वो अपने आसपास ही नचाना चाहते हैं। कंगना ने भी वो थोड़ी सी गलती की है, लेकिन कुल मिलाकर एक ठीक ठाक सी अच्छी फिल्म कंगना ने बना दी है। आप जाएं और परिवार के साथ, बच्चों के साथ इसका आनंद उठाएं। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3 स्टार।